हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सरिता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सरिता पटेल ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अभी 2021 के लास्ट में मैंने आप लोगों से Q&A के लिए पोस्ट डाली थी अपने चैनल पे, और वहाँ पे मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों के मन में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए। तो वो मैं वीडियो पिछले महीने ही बनाने वाली थी, पर क्या हुआ था, हम लोग हरिद्वार चले गए थे न्यू ईयर पे, इसीलिए मैं आपके लिए वो वीडियो बना के नहीं दे पाई थी। तो आज मैं वो वीडियो लेकर आई हूँ, और जितने लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछे हैं सभी के क्वेश्चन का मैं आंसर देने वाली हूँ, और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी फनी होने वाली है। काफ़ी लोगों ने ऐसे क्वेश्चन पूछे जो काफ़ी फनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा इंस्टा रील्स शॉर्ट, इन्होंने पूछा आपके पास कौन सी कार है, प्लीज पिक माई क्वेश्चन। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो मैं आपको बता दूं, अगर मेरे पास कार होती तो मेरी कंडीशन इतनी बेकार ना होती। और मैं आपको बता दूं, ऐसे मुझे यहाँ छत पे खड़े होकर वीडियो बनानी नहीं पड़ती, क्योंकि जिसके पास कार होगी उसके पास एक अच्छा घर भी होगा, और उन लोगों की कंडीशन काफ़ी अच्छी होगी, और हमारी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि जो हमारे पास अभी कार हो। आगे चल के हो सकती है, अभी कुछ पता नहीं है फ्यूचर का कब क्या हो जाए। तो आप लोगों को आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि हमारे पास कार क्या, हमारे पास बस एक साइकिल है और हम उसी से जाते हैं। ठीक है, म्यूजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अश्वनी वर्मा, इन्होंने पूछा है मैम आप दोनों में शिखा सरिता में से किसने ज्यादा प्रपोजल रिजेक्ट किया है? बड़ा हरामी हो बेटा। तो मैं आपको बता दूं कि शिखा ने ही ज्यादा रिजेक्ट किए होंगे, क्योंकि उसके पास हमेशा पड़े रहते हैं। कम से कम आप लोग माने तो कम से कम उससे पर डे दो तीन लोग कहते होंगे कि मतलब मैं आपको लाइक करता हूं, मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, तो वो सबके लिए मना कर देती है। तो ज्यादातर उसी के पास आते हैं, मेरे पास इतने नहीं आते हैं। गजब बेइज्जती है। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गुरु, इन्होंने पूछा है आप स्टडीज में क्या कर रहे हो? तो मैं आपको बता दूं, मैं स्टडीज में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सहनवाज ऑफिसर, इन्होंने पूछा दाल भात चोखा कैसे बनाए? ओ भाई, मारो मुझे। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आज तक खुद ही नहीं बनाया, तो आपको मैं कैसे बताऊं कि दाल भात चोखा कैसे बनाया जाता है। अगर आपको बनाना है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अंशुल ट्रैक्टर लवर, इन्होंने पूछा है बिना टैग लगाए वीडियो वायरल होगी कि नहीं? तो मैं आपको बता दूं, हाँ बिल्कुल होगी, क्योंकि इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मेरे टैग वाले चैनल पे आप लोग जाएंगे और वहाँ पे आप पॉपुलर वीडियो में सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगी मोबाइल हैंग प्रॉब्लम। वो वीडियो मेरी 200,000 से ज़्यादा चली हुई है, और मैंने जब वो वीडियो अपलोड की थी तो उस पर मैंने एक भी टैग नहीं लगाया था, फिर उसके बाद मैंने थोड़े टैग लगा दिए थे, पर वो वीडियो मेरी सर्चिंग में ऐसे ही जाने लगी थी। तो आपकी बिना टैग लगाए वीडियो वायरल हो सकती है, कब यूट्यूब आपकी वीडियो को सजेस्ट कर दे कुछ आपको पता नहीं है, तो आप बिना टैग लगाए भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रसूल राजा, इन्होंने पूछा है आप कहाँ से हैं, पिक माय क्वेश्चन एंड आप कौन से क्लास में। देखिए, क्लास का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं कौन से क्लास में हूँ, और मैं हूँ कहाँ से ये मैं आपको बता दूँ, मैं बरेली से हूँ जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, झुमका सिटी बरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गुरु, इन्होंने पूछा आपका घर बरेली में कौन से एरिया में है? तो मैं आपको बता दूं, अगर हमारी बरेली में आते हैं तो बरेली में एक लाल फाटक है, बहुत ज़्यादा फेमस है, और लाल फाटक के पास में ही हम लोग रहते हैं। अगर आप लोग कभी आएँ तो हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इंस्टा रील शॉर्ट, इन्होंने पूछा आपके घर में कितने मेंबर हैं? तो मैं आपको बता दूं, हम लोग 4 sisters, 1 brother and mummy papa। तो मैं आपको बताऊं, 2 बहनों की मेरी शादी हो चुकी है, 2 बहनें 1 भाई और मम्मी पापा अभी फैमिली में हैं, तो आप लोग काउंट कर लीजिए कितने लोग अभी होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अनूप प्रजापति ब्लॉग्स, इन्होंने पूछा है यूट्यूब पर ब्लॉग चैनल कैसे ग्रो करें? तो मैं आपको बताऊं, देखिए ब्लॉग चैनल ग्रो करने का बस एक ही तरीका है, आप डेली ब्लॉग करिए। जो लोग डेली ब्लॉग करते हैं तो उनका यूट्यूब होता है, यूट्यूब उनकी वीडियो को सजेस्ट करता है, दूसरे लोगों के पास ज़्यादा भेजता है, तो इसीलिए उनका चैनल जल्दी ग्रो होता है, तो आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नंबर 1 ब्लॉग्स बच्चा कॉमेडी, इन्होंने पूछा हम आगे कैसे बढ़े? अगर आपको आगे बढ़ना है तो मेरे टैग वाले चैनल पे जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको वहाँ पे मैं ऐसे टिप्स देती रहती हूँ जहाँ पे आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गरीब एडिट्स, इन्होंने पूछा है क्रेजी बंदी ने मेरे चैनल पर स्ट्राइक दी थी, अब मुझे क्या करना चाहिए, और भूचाल सॉन्ग 48 घंटे में उड़ा दिया जाएगा, ये भी बोला है उसने। तो मैं आपको बता दूँ, मतलब स्ट्राइक आई है, स्ट्राइक आपकी तभी आती है जब आपने किसी के कंटेंट को अपनी वीडियो में यूज़ किया। तो आप लोग ऐसा करिए कि आप लोग कभी भी किसी के कंटेंट को अपनी वीडियो में यूज़ बिल्कुल भी ना करें, जो भी बनाए यूट्यूब पे वो केवल अपना कंटेंट डालिए, अपने कंटेंट को ही दिखाइए, आपके अंदर क्या टैलेंट है आप वो दिखाइए, बाकी आपको किसी से भी मतलब नहीं रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चन, और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लोगों ने पूछे थे, नहीं आपको भी शायद मजा आया होगा। तो फ्रेंड, चलिए इस वीडियो को यहीं पे लास्ट करते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, क्योंकि अब मैं अपने ब्लॉग चैनल पे भी जल्दी जल्दी Q&A वीडियो लाती रहूंगी। अगर आप लोग मेरी वीडियो में इंटरेस्ट लेते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। तो फ्रेंड, चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।